नमस्कार दोस्तों, साथियों, देखने सुनने वालों को मेरा तहे दिल से आदाब और नमस्कार। सत श्री अकाल। जो समझना हो समझ लीजिए, ठीक ठाक है। आज की इन्फॉर्मेशन या सूचना है उन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जिन्होंने अपनी प्रवेश परीक्षाओं को दे चुके हैं या दे चुकी हैं। लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, उन सभी की परीक्षाएँ, इंटरव्यू और एडमिशन को लेकर जो नोटिफिकेशन आए हैं 16, 18 और 22, 21 जनवरी को, उसकी मैं करूंगा आपसे बातचीत। याद रखिए, इन चार नोटिफिकेशन की बात करूंगा और इन नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन एडमिशन का संबंध है क्लास फर्स्ट में एडमिशन के बच्चों के लिए, क्लास नाइन्थ में बच्चों के एडमिशन के लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास सिक्स में, क्लास फर्स्ट, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है उसके अंदर 20 और 21 सेशन के लिए, उसके विषय में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट में या क्लासेस में इंटरव्यू होगा, कुछ के अंदर इंट्रैक्शन प्रोग्राम है, कुछ के अंदर इंस्ट्रक्शन कम एडमिशन प्रोग्राम है, उसकी डिटेल जानकारी डेट के साथ आपको बताऊँगा, टाइमिंग के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, सवाल हो तो कमेंट करके करिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विषय में तो डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा या कंसल्ट कीजिएगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी, एंट्रेंस दिया था फर्स्ट क्लास के लिए, चाहे वे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, 29, 30 और 31 जनवरी को उन सभी बच्चों का इंटरेक्शन कार्यक्रम है। इंटरेक्शन कार्यक्रम से मतलब होता है मेरे बच्चों सीधा सीधा कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपने एक प्रवेश परीक्षा दी, उसके बाद अब आपको और आपके माता पिता यदि हों, क्योंकि हो सकता है बच्चे छोटे हैं तो माता पिता को ज़रूर बुलाएगा, तो माता पिता के साथ बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं अपने दस्तावेज़ों को लेकर, वहां आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी, और वही बच्चे जाएं जिनका रोल नंबर या जिनको बुलाया गया है, ठीक है। किनको बुलाया गया है कैसे पता लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, उसके सामने लिख दूंगा क्लास फर्स्ट के लिए लिंक है या क्लास सिक्स के लिए है या क्लास नाइन्थ के लिए है, तो उस लिंक को चेक करिएगा। उसमें शेड्यूल दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है, डेट दिया हुआ है और किस रोल नंबर के विद्यार्थियों को बुलाया गया है, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो स्कूल हैं वह इंग्लिश और उर्दू माध्यम में चलते हैं, आप सभी जानते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं कि इंग्लिश माध्यम का इंटरव्यू कब होगा और उर्दू माध्यम का इंटरव्यू कब होगा, इससे आप बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि 15 जनवरी को आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। और जो वेन्यू रहेगा इसका, यानी कि जाना कैसे है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्योंकि कोविड है, लॉकडाउन है, तो विश्वविद्यालय में व्यवस्था ऑफलाइन की है, आपको अलीगढ़ में ही जाना होगा। सेंटर दिया है या कहने की वेन्यू दिया हुआ है, उसको आप चाहें तो नोट कर लें या आप चाहें तो उसको कहीं लिख लें, AMO सिटी स्कूल नियर एग्जीबिशन ग्राउंड अलीगढ़, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अलीगढ़ AMU यानी कि इन शॉर्ट में सिटी स्कूल और नियर बाय एग्जीबिशन ग्राउंड अलीगढ़, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्योंकि स्कूलिंग की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के अंदर ही है, तो इस बात के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास फर्स्ट के बच्चों का ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं क्लास सिक्स के बच्चों के लिए। क्लास सिक्स के बच्चे खासकर ध्यान दें, उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं दी थी और 22 जनवरी यानी कि परसों, एक दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। 24 जनवरी को आप ये सूचना देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी सहपाठियों से, उन सभी पेरेंट्स से, क्योंकि वीडियो स्टूडेंट भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं और नॉन एहाल छोटे बच्चे भी देखते हैं, ठीक है। तो इसी बात को रखिए कि सूचनाओं को शेयर करना सीखें, बांटने से सुख बढ़ता है और छुपाने से गम बढ़ता है। इसी को समझिए कि खुशियाँ बांटेंगे, हैप्पीनेस बांटेंगे तो वह बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं, और गम को यदि छुपाएंगे तो वह भी बढ़ जाता है। अब आपका काम है गम को छिपाना है या खुशियों को बांटना है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को बांटना सीखिए, क्योंकि बिना कंपटीशन के आपका चयन हो जाए तो वह अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, इसलिए
जीत का असली स्वाद चखना है तो कॉम्पिटिशन्स में लड़ना सीखिए। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, यदि लड़ना शुरू है तो जीतना शुरू हो जाता है। जैसी होगी ट्रेनिंग वैसा होगा आपका परिणाम। क्लास सिक्स के बच्चे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम के हों या उर्दू मीडियम के हों, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। इंटरव्यू कम इंट्रैक्शन, याद रखिएगा। इंट्रक्शन प्रोग्राम में केवल आपसे सवाल जवाब होते हैं, कुछ पूछा जाता है आपके फैमिली के बारे में और एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, बच्चे का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है, क्या उसके उद्देश्य है, यह है सब इंट्रक्शन में होता है क्लास फर्स्ट के बच्चों में। लेकिन क्लास सिक्स के बच्चे भी ध्यान दें, खासकर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो माता पिता के बच्चे अप्लाई किए हैं, कि इंट्रक्शन भी होगा आपका। आपका इंट्रक्शन का मतलब आपके बच्चों से भी कुछ पूछताछ होगी और आपसे भी होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों से अलग से भी कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चे पांचवी कक्षा पास कर कर आए हैं। सिक्स क्लास में तो कक्षा पाँच तक के विषय में कुछ पूछा जाएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछा जाएगा। बच्चे हो सकता है पहली से पाँचवीं कक्षा तक किसी अन्य विद्यालय से पढ़कर आए हों, उसके बारे में कुछ सवाल जवाब होंगे, ठीक है। बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और AMU गर्ल्स स्कूल AMU अलीगढ़ वेन्यू दिया गया है, AMU में जो गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर वेन्यू दिया गया है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स का गर्ल्स के लिए, ठीक है। सबके वेन्यू अलग अलग है, लेकिन और टाइमिंग, हाँ टाइमिंग मैंने भी बताई, टाइमिंग है लगभग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर तक चलेंगे आपके ये इंट्रैक्शन कम इंटरव्यू, और डेट है 3 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021 ये डेट है, याद रखिएगा, क्लास सिक्स के बच्चों के लिए, ठीक है। और कोई समस्या सवाल हो तो विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा, आपको सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नोटिफिकेशन में, जो थोड़ा जरूरी भी है। यह नोटिफिकेशन है बॉयज और गर्ल्स सभी के लिए, जो क्लास नाइन्थ के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं वह इस बात को ध्यान दें, 21 जनवरी को उनका रिजल्ट आ चुका है जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं दी थी, और उन बच्चों का इंट्रक्शन प्रोग्राम नहीं होगा, उन बच्चों का इंटरव्यू नहीं रखा गया है, डायरेक्ट इंट्रक्शन प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें दोनों चीज़ें होंगी, नाम दिया गया है नोटिफिकेशन में इंट्रक्शन, लेकिन इसको एंट्रेंशन प्लस इंटरव्यू दोनों समझिएगा। और एक चीज़ मैं कंक्लूड कर दूं, तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए आपने आवेदन किया हो, या सिक्स क्लास में या नाइन्थ क्लास में, सभी बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से अपने लिए एडमिशन की सीट पक्का करनी है, और आपको विश्वविद्यालय के स्कूल में ही जाकर अपने सभी एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन, जो भी सवाल जवाब होगा, इंट्रक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, विश्वविद्यालय के स्कूल में होगा, इस बात का ध्यान रखिए, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। हो सकता है कि एडमिशन के बाद जो फीस का प्रोसेस है वह ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन बाकी सारा प्रोग्राम ऑफलाइन माध्यम से होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्लास नाइन्थ के नोटिफिकेशन पे, 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, 31 जनवरी और 1, 2, 3, 4 फरवरी, इन 5 दिनों के मध्य में होगा क्लास नाइन्थ के बच्चों का, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनका इंट्रक्शन कम इंटरव्यू प्रोग्राम, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक नहीं दो बातों का ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट दी है पूरी विश्वविद्यालय के स्कूल एडमिन ने कि 31 जनवरी को किस रोल नंबर से लेकर किस रोल नंबर के विद्यार्थी का इंट्रक्शन कम इंटरव्यू प्रोग्राम होगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपका रोल नंबर कितने बीच में आता है, 1 फरवरी को किसका होगा, 2 को किसका होगा, 3 को किसका होगा, और 4 फरवरी को किस रोल नंबर के स्टूडेंट्स का इंट्रक्शन कम इंटरव्यू का प्रोग्राम है और कितने समय के बीच में है, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे कि बता देता हूँ, रोल नंबर 009 से लेकर रोल नंबर 472 के बच्चों का इंटरव्यू सुबह 9 बजे रखा गया है, फिर रोल नंबर 477 से लेकर 229 के बच्चों का इंटरव्यू 10:30 के बीच में रखा गया है। तो ऐसे करके शेड्यूल को बांटा गया है, और यही क्रम और यही तरीका, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे आपके बच्चे का एडमिशन क्लास सिक्स के लिए है या क्लास फर्स्ट के लिए है, सभी में इस लिस्ट को फॉलो किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वेन्यू सुन लीजिए, क्लास नाइन्थ के बच्चे जो एडमिशन के लिए हैं, SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ AMU, ठीक है। ये क्लास नाइन्थ के बच्चों का वेन्यू है, क्लास सिक्स के बच्चों का वेन्यू है AMU गर्ल्स स्कूल यदि गर्ल्स हैं, AMU बॉयज़ स्कूल यदि बॉयज़ हैं। क्लास फर्स्ट के बच्चे याद रखें, सिटी स्कूल AMU नियर बाई एग्जीबिशन ग्राउंड,
यह 10 मिनट की इन्फॉर्मेशन आपने देखी, कोई सवाल हो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसको लेकर, तो मुझसे कर सकते हैं आप। लेकिन विश्वविद्यालय में स्कूल एडमिशन की वहाँ फैकल्टी क्या पढ़ाई लिखाई होती है, क्या उसका स्तर है, इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो स्कूल प्रशासन है उससे संपर्क कीजिएगा। आपके सवालों की समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के साथ और के साथ रहें, खासकर मानसिक रूप से बच्चों के साथ ज़रूर रहें। फिजिकल रूप से बच्चों के साथ रहना संभव नहीं होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, लेकिन फिजिकली रूप से ना हो लेकिन मेंटली रूप से बच्चों का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि मानसिक विकृति ही बच्चों में शारीरिक नहीं कंट्री के रूप में विकृति पैदा कर सकती है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है प्लस फिलॉसफी का टर्म है, इसीलिए बच्चों का मानसिक साथ ज़रूर दें, बच्चों को मेंटली प्रेशर ज़्यादा ना दें। फिजिकली हमको बच्चे हमारे दिखते हैं सही हैं, ठीक हैं, सही सलामत हैं, खैरियत से हैं, लेकिन बच्चों का फिजिकली ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को मेंटली स्ट्रेस नहीं है, बच्चों को मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होती है। इसलिए बच्चों को मेंटली रूप से जितना फ्री छोड़ सकते हैं छोड़िए, लेकिन उनके साथ रहिए मेंटली रूप से, इस बात का ध्यान रखिए। ये मेरी छोटी सी बकवास थी, मैंने कर दी, आपने 12 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, सवाल हो मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और अगला जो वीडियो होगा वह है सीनियर्स के लिए होगा, यानी कि जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उनके एडमिशन की सूचना आई है, खासकर रिसर्चर के लिए, रिसर्च स्टूडेंट के लिए PhD में एडमिशन के लिए, उसके विषय में आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और सलाम।